नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। मीडिया के सामाजिक सरोकार चौपाल समाचार का है आधार। नमस्कार, चौपाल समाचार की खोज खबर में आप सभी का स्वागत है। आज चौपाल समाचार की खोज खबर टीम पहुंची है मुजफ्फरपुर जिला के सरैया प्रखंड अंतर्गत नरगी जीवनाथ पंचायत में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं इसी पंचायत के निवासी श्रीनाथ जी, और ये वर्तमान में अभी जो यहां की पंचायत की मुखिया हैं उनके प्रतिनिधि हैं। लक्ष्मी देवी जी यहां की मुखिया हैं और उन्हीं के परिवार से हैं, तो ये हम आज इनसे जानकारी प्राप्त करेंगे कि इस पंचायत की स्थिति क्या है, विशेषकर जो ये पंचायती राज व्यवस्था में पिछले 20 वर्षों से लगातार लोग सक्रिय रूप से इस पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर रहे हैं, उसमें काम कर रहे हैं, उसी को लेकर अभी इस पंचायत में क्या कुछ विकास हुआ है उसी पर हम चर्चा करेंगे। दर्शकों को भी हम बता दें, यह कार्यक्रम अगले 10 से 15 मिनट तक का होगा, जिसमें हम यहाँ की वर्तमान स्थिति से आपको अवगत कराएंगे और आपसे भी यह बात का आग्रह करेंगे कि यदि आपको यहाँ जो हम लोग बात कर रहे हैं इसमें अपने स्तर से कोई सुझाव देना है या कोई और प्रश्न पूछने हैं तो कमेंट जरूर करें, और हम आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब पुनः इनसे आकर लेकर इस पंचायत से पता कर हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो श्रीनाथ जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। धन्यवाद श्रीनाथ जी। लगभग 20 वर्ष होने जाने को हैं जब लगातार पंचायत में चुनाव हो रहे हैं, मुखिया जी का चयन हो रहा है और गाँव का, पंचायत का विकास हो रहा है। अभी आपकी नज़र में आपके पंचायत का क्या कुछ विकास हुआ है, हमारे दर्शकों को एक बार बताएं। मेरे पंचायत में जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो आम जनता के लिए मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे कि रोड, तो रोड के मामले में अधिकतर रोड जो है यहाँ कालीकरण भी हो चुका है। जो कच्ची रोडे थी उनका सोलिंग भी हो चुका है, पीसीसी भी हो चुका है, अर्थात रोड के मामले में बहुत सारा कार्य हुआ है जो धरातल पर दिखता भी है और देखने की चीज भी है। एकाध रोड है जो अंदरूनी मामला को लेकर के, जहाँ पर सरकारी रोड नहीं है और लोग आते जाते हैं, वही छूटा पड़ा है, और नहीं तो एक भी रोड नहीं है जिसका कालीकरण नहीं हुआ है, पीसीसी नहीं हुआ है, और शेष जो सोलिंग होता है वो सोलिंग नहीं हुआ है। अर्थात इस मामले में हम काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुके हैं जी। तो श्रीनाथ जी, आपने बताया कि आपके पंचायत में रोड की स्थिति अच्छी है, और कोई आप बताएं कि कोई ऐसी सड़क तो बची नहीं है जो सरकार के अधीन हो, मतलब पंचायत में हो और कच्ची हो, ऐसी कोई सड़क है आपके पास? जी नहीं, ऐसी सड़क नहीं है। एक है जो बांध है, जो धनुपुरा में है, तो वो तो बांध है जी। तो हम दर्शकों को जो ये बात अभी इन्होंने बताई उस पर हम कहना चाहेंगे कि आप बताएं कि पंचायत के विकास में सबसे पहली, आप सभी जानते हैं देश के विकास में भी सबसे पहला जो सड़क का जरूरत है वो जरूरत यहाँ पूरा हो चुका है, और उसके लेकर जो काम किया गया है वो देखने लायक है। इन्होंने जो बात बताई हम लोग भी देखेंगे और दर्शकों को भी दिखाएंगे चौपाल समाचार के माध्यम से कि यहाँ सड़क कैसी है अगले वीडियो में जब हम इसको आगे काम करेंगे। तो आप मुझे बताएं श्रीनाथ जी कि अभी सड़क की बात आपने अच्छी बताई, अब दूसरी होती है बिजली की व्यवस्था। जहाँ भी पूरे इलेक्ट्रॉनिक दुनिया है सभी जगह बिजली की जरूरत पड़ती है, उसको लेकर क्या कुछ हुआ है आपके पंचायत में और कैसी व्यवस्था है? बिजली के मामले में हमारे पंचायत में 99.99% घरों में बिजली पहुँच चुका है, हर टोला में, हर मोहल्ला में बिजली पहुँच चुका है, और बिजली जो है लगातार 24 घंटा में 22 घंटा लगातार बिजली रहती है। ये पोजीशन है हमारे पंचायत का जी। तो विकास को लेकर ये जो दूसरी सबसे बड़ी जरूरत है बिजली की, वो पूरा हो गई है, आप ये कहना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल। तो दर्शकों को ये भी बात मैं कहना चाहूँगा कि इनके नज़र में इन्होंने जो बात जो बताई है, अगर आप इस पंचायत से जुड़े हैं तो
आपके नज़र में, आपके आकलन में ये कैसा है वो भी आप कमेंट करें, और मैं भी आपको इस पूरे पंचायत की वस्तुस्थिति से अवगत कराऊंगा एकदम ग्राउंड की रिपोर्टिंग से समय आने पर आगे मैं जिस तरह से हम लोग काम करते हैं। तो सिन्हा जी, अब बताएं कि अभी तो सड़क हो गया, बिजली हो गया, अब जो सरकार के द्वारा जो और योजनाएं लागू की गई है यहाँ पर, जैसे सात निश्चय योजना जिसमें पानी की व्यवस्था है, नली गली की बात है, तो उसको लेकर क्या कुछ काम हुआ है? देखा जाए, सात निश्चय योजना अंतर्गत दो योजनाएं चल रही है, एक नल जल हुआ और एक गली नली। तो नल जल के मामले में एक दो वार्ड छोड़ करके उसमें भी एक दो में भी कार्य हो चुका है, लेकिन अभी चालू नहीं हुआ है। नहीं तो अधिकतर वार्डों में नल जल का कार्य पूर्ण हो चुका है और पानी चालू है, जो धरातल पर देखने को मिलेगा, भी आप जाकर के देख भी सकते हैं। और थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है उस पर कार्य चल रहा है, जो बहुत जल्द ही समझिए तो 8-10 रोज में पूरा हो जाएगा, यही पोजीशन है। दूसरा, नली गली की बात है तो गली की जहां तक बात है तो मैंने पूर्व में ही आपको बता दिया कि सड़क के मामले में मैक्सिमम सड़क का पक्कीकरण हो चुका है, और उस सात निश्चय योजना अंतर्गत गली नली को लेना है, ये छोटा छोटा रोड, तो छोटा छोटा या बचा ही नहीं है, जो 100-200 फीट का कहीं बचा होगा तो उसको ले करके ले भी लिया गया है, कुछ वार्ड में ले लिया गया है, जिसको पूरा करा दिया जाएगा जी। तो आपने सात निश्चय के विषय पर भी बता दिया है, आप बताएं कि सरकार की योजना में और जागरूकता को लेकर जो काम किया गया, ODF विशेषकर खुले में शौच मुक्त की बात जो की गई, उसको लेकर आपके पंचायत की क्या स्थिति है? देखिए, ODF की जहाँ तक बात है, खुले में शौच से मुक्ति की जहाँ तक बात है, जब यह अभियान चला, सबसे पहले ये जान लीजिए कि जिस समय चुनाव लड़ रहे थे उस समय घोषणा पत्र में था कि घर घर शौचालय हर हाल में देंगे, तो हमारे पंचायत में 85 घरों में 85% अर्थात 85% घरों में शौचालय दे दिया गया है, और शौचालय लोगों ने अपना से बनाया भी और उस शौचालय का प्रयोग भी कर रहे हैं। खुशी की बात है कि लोग शौचालय में जाते भी हैं, कुछ लोग हैं जो 15% में बचे हुए हैं, तो महादलित वर्ग के हैं जिनको जिनके पास साधन नहीं था, उसमें भी बहुत सारे लोग अपना से बनाए भी और उनको अनुदान की राशि भी दे दी गई है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे पंचायत में अभी तक लगभग 1600 से ऊपर लाभार्थियों को शौचालय के अनुदान से लाभान्वित किया जा चुका है, और जहाँ तक की बात है, पहले भी बताया कि लोग शौचालय का प्रयोग कर रहे हैं। इसके लिए शुरुआत जब हुई थी तब मेहनत करना पड़ा था, बिना मेहनत के रिजल्ट नहीं मिलता है। सुबह सुबह 5 बजे भोर में, 4 बजे भोर में ही खेतों में जा करके लोगों को हड़काना, यहाँ तक कि लोटा छीन लेते थे, बोतल छीन लेते थे, हर टोला मोहल्ला में घूमने का काम किए, लोगों को जगाने का काम किए, लोगों ने पॉजिटिव रूप से लिया और बनाया भी। नतीजा है कि आज 85% हम तो 85% ही कर रहे हैं, लेकिन 85% से अधिक घरों में शौचालय से आच्छादित किया जा चुका है। अभी आपने बताया कि कुछ लोगों को जो कि जमीन की भी दिक्कत रहती है, लगभग देखा गया है पंचायत में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी जमीन बनाने को नहीं है या पैसे की दिक्कत है, तो सार्वजनिक शौचालय भी आपने पंचायत स्तर पर बनवाने का कोई प्रयास किया है? जी, अभी एक निर्माणाधीन है यहाँ नरगी जीवनाथ में पोखर के निकट, वो निर्माणाधीन है और दो और प्रस्तावित है,
जो धनुपरा मूसा टोली में बनना है। यानी कि दलित वर्ग के, महादलित वर्ग के लोग हैं, कमजोर वर्ग के हैं, उनको सार्वजनिक शौचालय दे करके ही फिलहाल उनको आच्छादित किया जाएगा और सरकार की योजना है कि उनको फिर लाभ दिया जाएगा जी। ये चीज है जी। तो दर्शकों को मैं बता दूं कि अब पंचायत स्तर पर जो जागरूकता चलाया गया, इन्होंने भी जो बात बताई कि यहाँ पर लोगों को खुले में शौच मुक्ति का वो सब प्रयास करके इन्होंने 85% लोगों तक तो वो सुविधा पहुँचा दी है, लोग समझ भी गए हैं और आगे भी जो लोग बचे हैं उनके लिए भी सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कर उनको भी उससे पूरा कर और खुले में शौच मुक्ति की वो जो अभियान था उसको कंप्लीट करने का ये प्रयास कर रहे हैं। अब एक बात और हम दर्शकों को बता दें कि ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ पंचायत की बात जो ये बता रहे हैं उस पर आपका भी प्रतिक्रिया आवश्यक है, ये आप ध्यान रखेंगे। आप संभव है इस पंचायत से जुड़े हों, संभव है इस पंचायत से जुड़े हुए कोई अधिकारी हों, पदाधिकारी हों या कोई जनप्रतिनिधि भी हो तो अपना राय जरूर रखें इस चौपाल समाचार के माध्यम से, तभी हम उस वास्तविकता का अवलोकन सही से कर पाएंगे और आप सभी लोगों को उस बारे में जानकारी मिल पाएगी। तो अपने स्तर से भी अपना योगदान, अपना सहयोग इस कार्यक्रम में जरूर दें। आगे हम ये जानना चाहेंगे कि आपके पंचायत में जो सरकार की योजनाओं में डायरेक्ट लाभ देने की जो योजना है, विशेषकर सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर जो योजनाएं सरकार की चलाई जा रही है उसकी क्या स्थिति आपके पंचायत में? देखिए, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत हमारे यहाँ पूर्व से भी बहुत लोग लाभान्वित हैं और जो बचे थे तो लगभग 500 लोगों को इन 4 वर्षों में आच्छादित कर दिया गया है। अब मुश्किल से ढूंढने पर इक्का दुक्का मिलते हैं, वो भी हमारे कहने पे जबरदस्ती कहते हैं कि ये कागज देना दीजिए जो पेंशन करवा दे जाते हैं तो उनका हो जाता है और लगभग हमारे यहाँ पेंशन का भी काम खत्म हो चुका है। वृद्ध है तो वृद्ध का भी समाप्ते है, अब इक्का दुक्का जो बचा हुआ है वो विधवा इक्का दुक्का है जिनका आवेदन भी हो चुका है, उनकी स्वीकृति बची हुई है तो उनकी भी स्वीकृति हो जाएगी जी। अब बताएं आपकी अभी जो खास करके लॉकडाउन में देखा गया और सरकार की योजना भी है जो खाद्य सुरक्षा को लेकर है, तो लॉकडाउन में देखा गया कि राशन कार्ड जिनके पास नहीं था बड़ी दिक्कत हुई, सरकार की इतनी सहयोग किया गया लेकिन जिनके पास राशन कार्ड नहीं था उनको दिक्कत हुई, आपके यहाँ राशन कार्ड की क्या स्थिति है? राशन कार्ड की स्थिति यह है कि जितने भी बचे लोग थे मैक्सिमम लोगों को राशन कार्ड बन करके मिल चुका है। अब मुश्किल से ज़्यादा नहीं 2-3% लोग बचे हुए हैं जो ज़रूरतमंद हैं, तो उनका भी आवेदन करवा दिया गया है और उनका भी कार्ड बहुत जल्दी बन करके आ जाएगा। और जितना भी नया कार्ड बना है और जिनको भी मिला है उनको राशन मिलना भी शुरू हो गया है, ये पोजीशन है हमारे यहाँ जी। तो आपने तो सभी योजनाओं के बारे में बेहतर बताया है। आगे हम ये जानना चाहेंगे कि अभी चूंकि कोरोना वैश्विक महामारी, इससे सब लोग जूझ रहे हैं और लगता है कि आगे बहुत दिनों तक ये खींचने वाला है, चूंकि इसका अभी प्रॉपर कोई इलाज नहीं मिला है, तो आपके पंचायत में कोरोना से लड़ने की कैसी तैयारी रही? आपने साफ सफाई को लेकर और सरकार ने जो मास्क और जो साबुन की वितरण की बात करी उस सब को लेकर क्या कुछ व्यवस्था किया आप सभी ने पंचायत? देखिए, सरकार के तरफ से जब कोरोना के ये महामारी चली शुरू में, तो सरकार के तरफ से यह घोषणा की गई कि पंचायत के मुखिया लोग पंचायत को सैनिटाइज कराएंगे। सरकार की चिट्ठी जिस दिन निकली उसके 2 दिन बाद ही हमने क्या किया कि सैनिटाइज करना था ब्लीचिंग पाउडर से, 2 दिन बाद ही ब्लीचिंग पाउडर का अरेंज करके हर घर को, हर सड़क चौराहा और हर घर में, यानी घर के सामने जितना भी था सबको सैनिटाइज करने का कार्य किया गया। दूसरा, मास्क की जहाँ तक बात है तो हमारे यहाँ लगभग 2,350
हाँ 2,350 मास्क का वितरण हुआ, 2,350 साबुन का वितरण हुआ। सरकार के जैसे ही आदेश निकला, देन एंड देयर उसको पूरा किया गया। जो आप पंचायत में जा करके लोगों के बीच में पूछ भी सकते हैं कि मुखिया के थ्रू सैनिटाइज कराया गया या नहीं, मास्क बटा या नहीं और साबुन बटा या नहीं, ये सब पता किया जा सकता है। जी चलिए, वो तो बात आंकड़े की रही, वो तो आगे पीछे देखा जाएगा, लेकिन हम सामाजिक स्तर पर जो ये बात अभी जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं श्रीनाथ जी, उस बातों को लेकर आप दर्शक क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, इसका भी कमेंट करके जरूर हमें सूचित करेंगे। आप बताएं श्रीनाथ जी, अभी रोजगार को लेकर के भी क्या कुछ आपके पंचायत में चल रहा है, चूँकि देखा गया है कि आप पंचायत में ही व्यवस्था सब लोगों को उत्तम मतलब लग रही है, बाहर से भी लोग रोजगार छोड़कर अपने पंचायत को लौट गए हैं, तो अभी आपके यहाँ पंचायत में क्या कुछ रोजगार को लेकर हो रहा है, चूँकि सरकार की योजना का भी सहयोग चाहिए और हो सकता है अगर आपके पंचायत स्तर पर कुछ और कुछ हो रहा हो, कृषि उषि की विशेष व्यवस्था हो, तो दर्शकों को हमारे बताएं। देखा जाए जहाँ तक कि लोगों के रोजी रोजगार की बात है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, रोजगार का सृजन एक तो निकलता है आवास से, घर जो बनता है, तो हमारे यहाँ जितना भी आवास की सूची थी वो सारे सूची को स्वीकृत करके लोगों को घर दे करके आच्छादित कर दिया गया। हमारे यहाँ जितना भी घर मिला है उसमें से 80% घर बन चुका है, लोगों ने घर बनाया है। अब और लोग स्वयं मेहनत करके अपना से मेहनत किए, जिसका मेहनताना मनरेगा के तहत उनको दिया भी जा रहा है, मिल रहा है, ये हो गया। दूसरा हो गया मनरेगा के तहत रोजी रोजगार देना था, तो उस लॉकडाउन के में हमने मिट्टी वर्क खोला था, तो मूसार जाति के लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं, उनको लेकर के काम कराने का काम किया, उनको रुपए का भुगतान भी हुआ। अब इस बरसात के सीजन में सरकार का आदेश हुआ कि पशु शेड, मुर्गी शेड और बकरी शेड खोल करके लोगों को रोजगार दिया जाए, तो उस दिशा में भी योजना खोल करके रोजगार दिया जा रहा है और कोशिश किया जा रहा है कि यहाँ जो है किसी भी तरह से बेरोजगारी ना हो। दूसरी बात है किसान से संबंधित जो बात पूछे हैं, तो जो किसान है, सरकार की योजनाएं जो है चल रही है, जो जागरूक किसान है वो सरकार की जो योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, कृषि इनपुट योजना, फसल सहायता योजना, इसका लाभ है हमारे पंचायत में भरपूर मिल रहा है, इससे वंचित हमारे यहाँ के लोग नहीं है। जी तो अभी हम बात कर रहे हैं श्रीनाथ जी से, जो अपने पंचायत की पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो भी सरकार की योजनाएं आ रही है उसके विषय पर ये बता रहे हैं। आगे भी हम आपको और सारी योजनाएं और सारे विकास के विषय में इस पंचायत के बारे में भी बताने का हम प्रयास करेंगे। वर्तमान में अभी समय का चूंकि अभाव है, तो आप मुझे एक बार बताएं कि अभी कोरोना की इस वैश्विक महामारी में आप अपने लोगों को, जो आपके पंचायत के लोग हैं, जो आपके अपने लोग हैं, उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे चौपाल समाचार के माध्यम से, जिनको कि उन्हें हिम्मत मिले। देखिए, इस कोरोना के माहौल में हम अपने पंचायत के लोगों को और अन्य लोगों को भी यही संदेश देना चाहेंगे, हिम्मत से काम लेना है। बीमारी यह है आगे चल करके आम बीमारी बन करके रह जाएगा, साफ सफाई से रहें, स्वच्छ भोजन करें, उसके बाद में कोशिश करें, हमारा और सब लोग का कोशिश हो कि गंदगी जत्र तत्र ना फैलाएं, गंदगी कूड़ा करकट भी रखे तो एक जगह पे रखे, और कच्चा कूड़ा करकट हो तो उसको कोशिश करें कि लेकर के जला दें, ताकि
दुर्गंध ना फैले, बीमारी ज्यादातर फैलता है दुर्गंध से। दूसरा, सरकार के आदेश का पालन भी करें। सरकार कहती है कि थोड़ा दूरी भी बना करके रहना है, साफ सफाई से रहना है, स्वच्छता से रहना है, ये सारा चीज को फॉलो करना है और हिम्मत से काम लेना है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, बीमारी तो आती है और जाती रहेगी, हिम्मत से काम लेंगे कोई परेशानी नहीं होगी जी। तो आपका शरणा जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे इस कार्यक्रम में भाग लिया है। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे इस कार्यक्रम को इतने समय तक देखा है। आगे भी हम इसी तरह की ग्राउंड की रिपोर्टिंग, जो वास्तविकता है, जहां पर विकास हो रहा है, जहां विकास होना है, उससे हम आपको रूबरू अवगत कराते रहेंगे अपने इस खोज खबर कार्यक्रम के माध्यम से। अभी तक इन्होंने जो बात कही, ये इनके विचारों को मैंने आपके सामने रखा है, यहाँ की बात, इनके नज़र की वास्तविकता को आपके सामने रखा है। आप भी अपने स्तर से इसका अवलोकन करें यदि आप इस पंचायत के हैं, और अपने स्तर से ये भी बताएं कि यहाँ के विकास में और कुछ क्या किया जा सकता है, रोजगार को सृजन को लेकर, यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्था के बदलने को लेकर, और भी जो कुछ बातें बदलने के होगी अभी आप जरूर कमेंट करें, हम आपके द्वारा दिए गए मैसेज को इन तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ आगे भी ये सिलसिला जारी रहे, हम आपको ग्राउंड की रिपोर्टिंग देते रहें, इसी आशा के साथ। कैमरामैन धीरेंद्र कुमार के साथ मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार मुजफ्फरपुर के लिए। धन्यवाद।